Redmi Note 4 कैसे अनब्रिक करना है और बूटलूप इसका फिक्स करना है इस वीडियो में जानेंगे। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके Redmi Note 4 पे है तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। सबसे पहले आपको ADB ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, तो इसको आपको यस करना है। उसके बाद ADB सिस्टम वाइड ये पूछेगा इंस्टॉल करने को, तो यस कर दीजिएगा। और फिर ये डिवाइस ड्राइवर के लिए यस और नो पूछेगा, तो यहाँ भी आपको यस कर देना है। फिर एक नई पॉप अप विंडो आएगी, उसमें आपको नेक्स्ट क्लिक करके फिनिश कर देना है। सेकेंड स्टेप में आपको मी फ्लैश टूल अपने PC पे इंस्टॉल करना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में जाएगा और शाओमी नाम का फोल्डर बनाएगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा। फिर आपको Redmi Note 4 का फास्टबॉट रॉम जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन है वो डाउनलोड करके सेव कर लेना है। इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा अपने PC पे, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो है उसके अंदर आपको एक इमेज नाम का फोल्डर दिखना चाहिए, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। फिर मी फ्लैश टूल अपने PC पे खोलिएगा, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें और इसको फास्टबॉट मोड में एंटर करा दें वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबा के। फ़ोन को PC से कनेक्ट करिए USB केबल के द्वारा। अब मी फ्लैश टूल में बैक पे जाइए, वहाँ रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको एक एंट्री दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आपका Redmi Note 4 सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब फास्टबॉट रोम फोल्डर में जाइए, जो आप जहाँ पर आपको इमेज फोल्डर दिख रहा है वो सेक्शन आपको खोल लेना है। ध्यान रखिए इमेज फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, बस इमेज फोल्डर बाहर से दिखे वहाँ तक खोल के रख लेना है और उसके अंदर का जो लोकेशन है या एड्रेस बार जो है वो कॉपी कर लेनी है। फिर आपको मी फ्लैश टूल में सिलेक्ट में जाके उसको पेस्ट कर देना है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्ट में जाके सिंपली एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर जो इमेज फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। दो में से कोई एक स्टेप करने ध्यान रखिएगा। फिर जब आप ये कर देंगे तो नीचे पे आपको क्लीन ऑल दिखेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी प्रोसेसिंग जो है फ्लैश की वो शुरू हो जाएगी, 3 से 5 मिनट बाद ये कंप्लीट हो जाएगी और आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। फिर आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब इसके बाद आपका Redmi Note 4 जो है वो अनब्रिक हो जाएगा और बूटलूप इसका फिक्स हो जाएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।